हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में इस वीक में 10-15 दिनों में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, ठीक है? हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और में लें। कि कोई फैसला करना हो आपको तो एटलीस्ट ये होता है कि टैरो से आपको गाइडेंस मिल जाती है, बाकी तो चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है? लेट्स चेक कि कमिंग डेज में 10-15 डेज में आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या होने वाला है जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम द ओरेकल फर्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस और राइट, कोई काम शुरू करेंगे आप, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई नया ऑफिस, या अपनी ही फील्ड में रहते हुए एक डेवलपमेंट होगी नए लोगों की। आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आपके साथ कौन लोग ऑनेस्ट हैं, कौन से लोग सपोर्टिव हैं, कौन ऐसे हैं रिश्ते जिनको आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका नए लोगों के साथ कोलैबोरेशन होगा, आपका नए सिमिलर फील्ड में रहते हुए आप नए लोगों से मिलेंगे। आप हो सकता है आर्टिस्ट हो, लेकिन आपको म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात हो जाए, फील्ड आर्ट की है। आप पेंटर हो, लेकिन आपको स्कल्पचरर से मुलाकात हो जाए, फील्ड आर्ट की है। आप डांसिंग करते हो, लेकिन आप कोई किसी ऐसा होता है ना, जैसे फन गाला मेले लगे हुए होते हैं, आप वहाँ पर किसी कोई आपको फोर्सफुली कहे कि नहीं तुम ज्वाइन करो, तुम आओ, तुम मिलो, तुम वहाँ पर अटेंड करो, जैसे बाज़ार्स होते हैं, फन फेयर्स लगती हैं, कुछ इस तरह का ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहेंगे कि डू कम एंड डू ज्वाइन। तो ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज में आप ऐसा कुछ ज़रूर करने वाले हैं। अच्छा है, अच्छी बात है कि अगर ऐसा होगा तो। लेट्स सी, डिज़र्विंग और राइट, ये शायद इसलिए भी होगा कि एक तो आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, ऊपर से ये कि आप एक रिप्यूटेबल पर्सन हैं, तो कमिंग डेज में आपको ये ऑफर इस वजह से भी आएगी बिकॉज यू आर द राइट पर्सन जो कि इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आइडियल है। तो कुछ लोग आपको हो सकता है अप्रोच करें। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को इसलिए भी एक्सेप्ट करेंगे कमिंग डेज में, क्योंकि आपको आप मानते हैं कि ये मेरा राइट है और ये मुझे मिलना चाहिए और मैं ये डिज़र्व करता भी हूँ और करती भी हूँ। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, ऐसा ज़रूर कमिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कार्ड इस डेक से हम लेते हैं, कमिटमेंट। यकीनन कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, वाओ दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा, कोई आपको लिटरली कहेगा कि लेट्स वर्क टुगेदर, कुछ अरसे के लिए आप हमारे साथ काम करें। शायद इसीलिए आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले और आप नए कनेक्शंस बनाएं, नए सपोर्टिव कनेक्शंस बनाएं। कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, आप कहीं पर कोई पेपर वर्क करेंगे जिसमें लिटरली कोई डील साइन होगी कि आपको इतनी पेमेंट देनी है, हमें इतनी पेमेंट लेनी है। और ऐसा भी है कि आपको पूरा पुख्ता यकीन है कि ये मेरे पास चीज़ इसलिए आनी है क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए, इस ऑफ़र के लिए वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। मैंने मेहनत की है, मैंने कोई झोल नहीं मारा, मैंने कोई लूपहोल नहीं दिया, मैंने अपनी जगह पर कायम हूँ, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कमिंग डेज में डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना एमयूएन साइन करने वाली बात, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होने वाला है जो कि आप लिटरली पेपर वर्क के थ्रू डन करेंगे, कमिटमेंट करेंगे। अच्छा भाई, अब हम लोग इतने दिन बाद ये करने वाले हैं, इतने दिन तक हम लोग ये काम करेंगे, मेरे और आपके दरमियान ये चीज़ डील डन हो गई है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। और असेंडेंट मास्टर्स, आप कुछ इस तरह से भी कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम है, इसी वक्त ये चीज़ होनी थी, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद मेरे पास ऑफ़र आई
और आपने अपने आप को डिवाइन की तरफ बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है कि मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो जो मुझे जिस तरीके से गाइड करते हैं, वो मुझे जो कहेंगे, मुझे लग रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन आपको खुद से इस बात का आंसर करेगी कि यस गो अहेड, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव. आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के नए डोर्स ओपन हो रहे हैं. शायद आपने कहीं अप्लाई किया हुआ हो तो आपको नई जॉब मिलेगी. आप शायद कुछ नए लोगों को अपने ऑफिस में, अपने काम में जगह दें. आप अगर घर में ही रहते हुए एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको कोई ऑर्डर मिलेगा और आपको लगेगा कि यहाँ ये टाइम है जहाँ पर मुझको सही मायनों में अब मुझे राइट इन्वेस्टर मिला है, अब मुझे राइट पैसे मिले हैं, अब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग मैसेज है. आप हो सकते हैं किसी सेरेमनी में आपको इन्वाइट किया जाए, इवेंट की बात है यहाँ पर, और सेरेमनी ऐसी ही हो जिसमें किसी और को रिवॉर्ड अवॉर्ड मिल रहा हो लेकिन आपके साथ वहाँ पर किसी की मुलाकात हो, क्योंकि यहाँ पर न्यू सपोर्टिव कनेक्शन है. फिर वो बोलेंगे यार आपने क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया, चले नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये आ रही है, आप इधर से पार्टिसिपेट करें एंड लेट्स डू इट. आपको कोई ना कोई अपनी तरफ इन्वॉल्व करेगा कि भाई ये काम तुम्हारा ही है और ये तुम ही कर सकती हो या कर सकते हो, तो ये काम तो तुम ज़रूर ज़रूर करो, विच इज़ वेरी गुड. नाउ लेट्स सी हियर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. 10 to 15 डेज में क्या होने वाला है नया. कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई पॉलिसी आप डिवाइन डिवाइस करेंगे, किसी पॉलिसी में अमेंडमेंट करेंगे, आप कोई चीज़ें बहुत फैक्ट्स के साथ सामने लेकर आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये चीज़ें देखें ऑथेंटिक हैं और ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें ये काम करती हैं. मतलब पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, कंडीशंस, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स, बहुत सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स को आप देख रहे होंगे. लेट्स सी मोर. पेशेंस. ऑल राइट. नंबर 14 फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस. नंबर 5 वेरी गुड. आपका पैसा कहीं बहुत ज्यादा लगा है. रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आ गई बात यहां पर. एंड होप. आई थिंक यू वर वेटिंग फॉर इट और आपने शायद इंतजार करते करते इंतजार करना छोड़ दिया था. आप हर्ब्स का कोई काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का कोई काम करते हैं, हर्बल मेकअप आप शायद बनाते हैं या आपका हर्बल मेकअप को कॉस्मेटिक को यूज़ करने का बहुत ज़्यादा वो है. स्किन केयर से रिलेटेड आप हर्बलिस्ट हो सकते हैं या आप घर में ही बैठे बैठे कोई जड़ी बूटियों को या टोटकों का या हैक्स का काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है. लोग आपको टोटकों की वजह से अप्रोच करें. आई मीन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक. अदर देन दैट आपने जो भी आप काम करते हैं आपके माइंड में क्रिएटिविटी और आइडियाज़ बहुत अच्छे तरीके से भरे हुए हैं लेकिन शुरू शुरू में आप इस बात को शोकेस इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस की कमी थी और कुछ लोगों ने आपको झोल भी दिया है, कुछ लोगों ने आपको चीट भी किया है. लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि आपको इस बात का, इस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा. आपको लोग बहुत स्ट्रांगली आपकी फील्ड की वजह से रिकग्नाइज करने वाले हैं और लोग लिटरली किसी इवेंट पर आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड करेंगे कि दैट इज़ गोइंग टू रियली मेक यू फील कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं इतनी ज़्यादा कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ. एंड ये आपने शायद मैनिफेस्ट किया है, आपने कोई काम वाकई ऐसा किया है जो आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिकग्निशन देगा. आपको कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड इतना बड़ा हो गया काम, मैंने नहीं सोचा था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं तो आपके काम को जानकर कोई ना कोई आपको किसी अवार्ड फंक्शन में आपको कोई रिवॉर्ड दे सकता है, कोई आपको मज़ीद प्रोजेक्ट में मल्टीपल रोल्स दे सकता है अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो. और अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ है तो देर कुड बी एनी थिंग, आपको बहुत से ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. और आपका पेशेंस और होप, ये अगर आप दोनों चीज़ें देखें तो यही अपने अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगा. और ये एक ऐसी स्टेज है जिससे मुझे लग रहा है कि आप खुद शायद भूल गए हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम भी कुछ होता है, तो आपके जहन में ये चीज़ नहीं है. लेट्स सी मोर. इसको और ज़्यादा यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट आपकी लाइफ में. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. Dissipating, forgiveness, insecurity,
परसेप्शन. ओके, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कोई एनर्जी है जो अपने आप को बहुत मिस्टीरियस बनाए हुए है. आपका उससे अब लेना देना कुछ इस तरह का है भी नहीं, लेकिन कमिंग डेज में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये इंसान, ये एनर्जी अपने ही अंदर घुल रही है. अगर तो इस एनर्जी ने हिम्मत की और आपसे आके माफ़ी तलब की, तो आपका मुझे लग रहा है कि ऐसा रवैया होगा कि नाउ यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर इन माई लाइफ, एंड ये आपका परसेप्शन बन चुका है. अब आप जिंदगी को, दुनिया को इसी तरह से देखते हैं. तो ये जो खौफ है, या तो ये आपका खुद का है कि आप किसी, आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ लोगों को माफ़ करना बिल्कुल नामुमकिन है. वो लोग अगर आपके सामने आके खड़े हो जाएं, तो शायद आप नफ़रत पहले करेंगे, माफ़ बाद में करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको बताने वाले हैं कि ये चीज़ आप अपने अंदर नोटिस करेंगे, एक बिहेवियरल चेंज. तो कमिंग डेज में 10 to 15 days आपके साथ बहुत कुछ बड़े लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिवॉर्ड और रिकग्निशन है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, और हम अपने उस बुरे वक्त में ही सोचते रहते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा ना, इनके साथ भी देखना ऐसा ज़रूर होगा. हम बद्दुआ की फॉर्म में कभी कभी दिल टूटे हुए दिल के साथ ये बात नहीं कहते, लेकिन कुछ अरसे बाद आप उन लोगों से अगर मिलें, तो वो उसी पोजिशन में नज़र आते हैं जो आपने शायद बद्दुआ में भी कभी कही नहीं होती, और फिर वो आपके सामने आ जाते हैं. वो मोमेंट होता है आपके रिस्पॉन्स के टेस्ट का. मुझे लग रहा है ऐसा आपके साथ होगा कि ये जो इनसिक्योरिटी है ना, कि आप किसी को नफ़रत के बदले में नफ़रत देना चाहते हैं, लेकिन आप नफ़रत के बदले में शायद माफ़ कर दें, क्योंकि आपका इस दौरान नज़रिया बदल गया है. ये कमिंग डेज़ में आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, और ये इसलिए होगी बिकॉज आपको ऊपर वाले की ज़ात किसी और रिवॉर्ड और रिकग्निशन में लेकर आ रही है, और ये जो असेंडेंट मास्टर्स हैं ना, ये आपको गाइड करेंगे. फिर आपको ऑटोमेटिकली सिचुएशन से गुजरने के बाद लगेगा, ओ ये तो ज़रा ज़्यादा हो गया. ठीक है, ट्रिकरी, कोई आपके साथ यकीनन कोई ऐसी ट्रिक करेगा. है तो वो बहुत ही हतनी किस्म के साइज़ का आदमी, बहुत ही बड़ा ड्रैगन टाइप आदमी, लेकिन वो आपको हमेशा यूं बनाने की कोशिश करता है. यस, अपनी ज़िंदगी में ये कोई बहुत बड़ा भंड करने की कोशिश है, और ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा. यस, इस दफ़ा आप जो है ना, इसके ट्रिक में नहीं आने वाले, और ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ इसकी ज़िंदगी के जो मसले हैं और इसकी ज़िंदगी का जो मेस है ना, वो इसका ख़ुद क्रिएट करता हुआ है. हर दफ़ा आप हर किसी का शिट ठीक करने के लिए, साफ़ करने के लिए नहीं बैठे हुए. ठीक करने की तो बात ही नहीं हो, तो सिस्टम ही अलग है, लेकिन साफ़ करने के लिए भी नहीं बैठे हुए. तो इन्होंने जाना है ना, दफ़ानुन निसा दूरुन नफ़ा, ये वाली चीज़ आप इनके साथ बिल्कुल क्लियर कट कर दें. नाउ लेट्स सी सोशल लेवल पर what's coming next in your life in coming days. Next 10 to 15 days में क्या होने वाला है आपकी life में, expectedly क्या चीज़ें आप देख सकते हैं 10 to 15 days में, क्या कुछ होगा. Mature women number 6, आपका birth month हो सकता है, date of birth हो सकती है, 6th October, 6 days, समथिंग 6 नंबर आपके CNIC में, आपके मोबाइल नंबर में, आपका रोल नंबर, आपका GR नंबर, आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर, आपका घर का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ मंथ. 6 साल के तो आप नहीं हो सकते, बट समथिंग रिलेटेड टू द 6 मैच्योर वुमेन. डिस्टेंट होराइजन 36, टॉयल एंड लेबर, ग्रेट फॉर्चून, माशाल्लाह. मेहनत रायगा नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाने का टाइम है. इस वक्त मेहनत मिल रही है, वही जो यहाँ था, आपको रिकग्निशन मिलने वाली है, न्यू सपोर्टिव कनेक्शन. आपको कोई लिटरली जानेगा, यार शी इज़ द मोस्ट सेंसिबल पर्सन, कॉल हर, शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द राइट वन, मैच्योर है, समझदार है, इसको बुलाओ. और कोई डिस्टेंट पे, दूर रहते हुए भी कोई आपको रिकमेंड करवाएगा. बहुत मेहनती हैं आप, आपकी मेहनत का कोई सानी नहीं है, और उसी का नतीजा आपको ये मिलेगा. 26, 6, 36, 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है. अबंडेंस के टूवर्ड्स ये नंबर होता है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 26, 6, 38 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 36 ईयर्स का वो पर्सन हो सकता है जो आपको रेकमेंड करे। आपने शायद इस एज के नंबर्स में आकर अपने आप को बड़ा रिफाइन चेंज किया। ऑक्यूपेशन देख लें, आपके काम की वजह से आपको बहुत सराहने वाला है कोई ऑफिशियल पर्सन। ये देखें आप, मिलिट्री का डिफरेंट पर्सन दूर है, बट आपको कोई ऑनर मिलेगा, 100% आपको कोई ऑनर मिलेगा, एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड टर्न इन लाइफ। तो 10 to 15 डेज में माशाल्लाह 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 अल्लाह नज़रबद से बचाए और आपकी कामयाबियों को सहल करे। आपकी कामयाबियाँ ये तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी के अच्छे मामलात को मज़ीद करने के लिए ज़रूर देखें, एंड देन इट विल बी अ प्रोग्रेशन फेज कि आप इसको हैंडल कैसे करते हैं। कुछ तो आपने अपनी लाइफ में नॉर्म सेटिंग की है जिसकी वजह से आपको ये मौका मिल रहा है, ये ब्रेक मिल रहा है। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन इन कमिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज। तो लगे रहो मुन्ना भाई, इसी तरह देखें आप क्या होता है। और अगर आपको इस पूरी सिचुएशन में कुछ क्लैरिफाई करना हो, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ रह गई थी तो ये चीज़ मुझे पूछनी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी थ्रू अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, एंड देन आई एम अवेलेबल टू क्लैरिफाई एंड रिजॉल्व योर क्वेरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, सदका देते रहें, काम डाउन रहें, इसी पेस पे रहें, और पहले से उछलना मत शुरू कर दें, क्योंकि टैरो में ये आ चुका है, जो चीज़ भी टैरो में प्रेडिक्ट भी होगी वो होनी अपने टाइम पे ही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कमिंग डेज में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी नहीं है, वो फेज़ हो सकता है आपका भी चल रहा हो, और इसी को आप अच्छे से पार करेंगे तो ये वाली रीडिंग और ये वाले आंसर्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।